my name is Ayush Khan and you watching now a technical point. And guys, in this video we are talking about the latest GPUs like this graphic card. आप सभी को पता होगा कि graphic card क्या चीज़ होती है. जिन-जिन भाइयों को पता है और जिन-जिन भाइयों को नहीं पता है, एक बार comment करके बताओ कि भैया हमको पता है और हमको नहीं पता है graphic cards के बारे में. और दोस्तों आज के इस video में, ये video आप सभी लोगों के लिए होने वाली है. क्यों होने वाली है? इस वीडियो में देखो, ये है Asus का G4 GTX 1066 GB वाला वेरिएंट OC एडिशन, जो कि इसको हम ओवरक्लॉक कर सकते हैं. इस वाले ग्राफिक कार्ड को हम इसकी मैक्सिमम एक्सट्रीम स्पीड तक जो है जा सकते हैं. बहुत भयंकर है. मैंने इसकी बहुत स्ट्रीम में खोल ली है और एक बार तो मेल्ट होने से बच गया था. मेल्ट मेरे हिसाब से मतलब पिघलने से बच गया था. मैंने पूरी सारी इसकी क्लॉक पावर जो है बढ़ा दी थी, तो उससे क्या होता है कि फैन चलने के बाद थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है. ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें ना करें अपने ग्राफिक कार्ड के साथ, जानलेवा हो सकती है, ठीक है ना. और आज की इस वीडियो में ग्राफिक कार्ड्स के बारे में इसलिए बात करने वाला हूँ, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा अभी एक सीरीज लॉन्च हुई थी जिसका नाम है RTX जो टेक्सचर के ऊपर जो है बेस्ड है ग्राफिक कार्ड्स एनवीडिया के. RTX 2060 2070 2080 Ti 2080 ये ग्राफिक कार्ड जो है लोगों को पसंद नहीं आए. क्यों नहीं पसंद आए? पसंद तो है, चीज़ तो बहुत बढ़िया है. सीधा सीधा दिक्कत है पैसों से. पैसे जो है 1 लाख से ऊपर के जितने ग्राफिक कार्ड है 2060 2070 1 लाख के बीच में आ जाते हैं, वो सारे 1 लाख के अबव हैं. सीधा सीधा पैसे से दिक्कत थी लोगों को, तो इतना पैसे लोग किसी ग्राफिक कार्ड के ऊपर जो है खर्च नहीं करना चाहते. तो जाहिर सी बात है, हाँ अब कोई एक प्रोफेशनल गेमर बनना चाहता है और पैसे भी नहीं खर्चना चाहता तो वो कोई बात नहीं हुई. बट हाँ, वो एक बहुत ही हाई एंड लेवल के ग्राफिक कार्ड्स हो गए. अभी जो सीरीज चल रही थी GTX की, GTX 1080 1050 Ti 1070 1060 इस टाइप के जो ग्राफिक कार्ड थे एक्चुअल में ना, जो NVIDIA को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, यही वाले ग्राफिक कार्ड होते हैं, क्योंकि ये बजट में होता है और सबसे ज़्यादा लोग बाग यही वाले खरीदते हैं, तो इसी से NVIDIA को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है ना. और जो बड़े वाले RTX वगैरह, वो 100 में से 30% लोग परचेज करते हैं, 100 में से 100% लोग परचेज करते हैं, सभी लोग, है ना. तो दोस्तों इसीलिए NVIDIA को अपनी GTX सीरीज दोबारा लेके आनी थी. अब वो लेके आए GTX 1660 Ti, और वो करीबन आपको 24,000 रुपए का मिल जाएगा ऑफलाइन मार्केट में. ऑनलाइन 26,500-27,000 इस टाइप का कुछ जो है चल रहा है. 25-24 का आपको मिल जाएगा, दिल्ली नेहरू प्लेस से जाकर जो है परचेज कर सकते हो, ठीक है. और ये बेस्ट टाइम है पीसी बिल्ड का आप सभी लोगों के लिए. फिर मत बोलना कि एक भाई आपने बताया नहीं था. और जो मेरे भाई लेने की सोच रहे हैं 50-70,000 रुपए का लैपटॉप, अभी रुक जाओ यहाँ पर जो है अपना पीसी बिल्ड करो. i5 प्रोसेसर लगाओ, 8GB रैम लगाओ, Z370 SLI Plus वाला मदरबोर्ड लगा सकते हो, MSI का, गीगाबाइट का, ऑरस गीगाबाइट एक ही है, और Asus का कोई सा भी लगा सकते हो, स्ट्रिक्स एडिशन लगा सकते हो, और आप सभी लगा सकते हो GTX 1060 का. मैंने इसको सच्ची बता रहा हूँ, मैंने इसको 26,000 रुपये में परचेज किया था. जब मैंने अभी दो या तीन महीने पहले मैंने अपना पीसी बिल्ड किया था, तो मैंने 26,000 रुपये का ये जो है ये परचेज किया था, और आज इसकी कीमत है 19,000 रुपये. Zotac का आपको मिल जाएगा 17,000 रुपये का, और अलग अलग कंपनियों किसी का 18-20 इस टाइप में जो चल रहा है, इसके ऊपर पूरे के पूरे 7-8,000 रुपये जो कम हो चुके हैं ग्राफिक कार्ड के ऊपर. तो दोस्तों ये बेस्ट टाइम है आपके पीसी बिल्ड का. 1050 लेते हो बहुत सस्ते रेटों में आपको मिलने वाला है, और जो बेस्ट परचेज लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया, फटाफट जाओ वहाँ से जो है परचेज कर लो. गाइज आप सभी लोगों के लिए है ये वाला टाइम, अभी परचेज कर लो, और अभी आपको बहुत सस्ते रेटों मिलने वाले हैं, क्योंकि 1660 Ti आ चुका है, इनके जो रेट बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं. तो ये मेरे को बहुत सही बात लगी है दोस्तों, बेस्ट टाइम है पीसी बिल्ड का यार, कर लो मेरे भाई लोग, कर लो जो जो करने की सोच रहे हैं कर लो. स्पेसिफिकेशंस अगर जानना चाहते हो तो एक बार कमेंट करके बताओ, मैं प्राइस के अकॉर्डिंग आपको जो आगे बता दूंगा, ठीक है ना. उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल पर नया तो बिना सब्सक्राइब के बगैर मत जाएगा, क्योंकि हमें रोजाना गेमिंग गेम प्ले टेक एंड ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियोज लेकर आते रहता हूँ. तो मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.